हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिक जॉब। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में वैकेंसी निकला है, इसमें टोटल पोस्ट कितना है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें जो अप्लाई करना होगा आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ये वर्क्समैन पोस्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक है फुल्ली। इसमें कौन सा पोस्ट है अभी की बता देते हैं, कौन सा एक्सपीरियंस आपको किया चाहिए। सेमी स्किल रिगार ऑन कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ स्टैंडर्ड पास होना चाहिए सिर्फ आपको। मिनिमम आप 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिगार, ऑफ विच 2 ईयर्स इन रिगिंग ऑफ हैवी ड्यूटी मशीन पार्ट्स असाइन इन द इलेक्ट्रिएशन ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा, गुड नॉलेज ऑफ स्प्लेजिंग वर्क ऑफ वायर रूप्स, ये सब आपको एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पहले का। स्कैफोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पास इन SSLC, ITI, NTC इन शीट मटेरियल वर्क्स, फिटर पाइप प्लम्बर फिटर विथ 1 or 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन जनरल स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग रिगिंग वर्क, और पास इन SLC विथ ए मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन जनरल स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग रिगिंग वर्क, ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स है, ये सेफ्टी असिस्टेंट ये भी SSLC पास होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा इन सेफ्टी फायर फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। साथ में इसमें मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग चाहिए और एक्सपीरियंस इन सेफ्टी इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ए फैक्ट्री। नेक्स्ट है फायरमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में है, इसमें भी SSLC पास होना चाहिए आपको। आपको 4 to 6 मंथ का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल इंक्लूडिंग फायर, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दी ड्यूटीज इंक्लूडिंग, नेक्स्ट है आपका कुकिंग फॉर CSL, इसके लिए आपके पास मिनिमम 7th पास होना चाहिए। आप 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको कुक में, गवर्नमेंट और PSU, गेस्ट हाउस में, फैक्ट्री में, कैंटीन में या 3-स्टार होटल में, मेस ऑफ आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस, फूड कैटरिंग सर्विस एजेंसी, ये सब का आपका नॉलेज होने से भी चलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं अभी। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई जो कर सकते हैं आपको 24 जून से इसमें अप्लाई शुरू हो गया। लास्ट डेट इसका 8 जुलाई 2022 है, आप इसमें 8 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी पोस्ट देख लेते हैं कितना है, वैकेंसी कितना है। सेमी स्किल रिगार ऑन कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए टोटल अनरिजर्व के लिए 22 है, OBC के लिए 14, SC के लिए 7, ST के लिए 1, EWS के लिए 9, टोटल 53 पोस्ट है। स्कैफोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व 1, OBC, SC 1, ST नेल, EWS 1, टोटल 5 पोस्ट है। सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए टोटल अनरिजर्व के लिए 8, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 3, टोटल 18 पोस्ट है। इसके बाद देखते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में कौन सा है। नेमो पोस्ट फायरमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट में 12 अनरिजर्व, 2 OBC, 6 SC, 9 EWS, टोटल 29। कुक फॉर CSL गेस्ट हाउस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक इसके लिए 1 ही पोस्ट है OBC का, टोटल 1 है। टोटल जो पोस्ट है 106 है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको कितना साल के लिए ये नौकरी मिल सकता है, टेम्पोरारी एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, एंड आपको 3 ईयर्स के लिए सिर्फ इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक लिया जाएगा। आप चाहे तो इसमें दे सकते हैं। आप ही देखते हैं सैलरी आपका क्या मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर में आपको 22,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा 4,600। सेकेंड ईयर में 22,800 कंपनसेशन, 4,700। थर्ड ईयर में 23,400 कंपनसेशन, 4,900 ये आपको मिलने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, अभी एप्लीकेशन फ़ी आपको 200 रुपया रहने वाला है, नॉन रिफंडेबल फीस है ये। इसके बाद इसमें साथ में आपको बैंक चार्ज जो भी लगता है वो आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। एप्लीकेशन बिकम बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,
पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबिलिटीज नीड नॉट पे एप्लीकेशन फी, इनके लिए एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई, इसमें देख लीजिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.coachingshipyard.in में, इनके साइट पर जाकर आपको करियर पेज में जाएंगे, CSL में जाएंगे, कोचिंग में जाने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है, आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या ऑनलाइन में एंट्री करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।